हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं जो अभी स्टूडेंट एम कॉम में एंड जो भी मतलब अपनी एम कॉम है प्राइवेट से कर रहे हैं, मतलब सी सी एस यूनिवर्सिटी से, उनके एग्जाम पेपर के बारे में बात करते हैं कि उनका एग्जाम पेपर किस पेटेंट पर आएगा। तो बेसिकली अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको और भी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जो ये एग्जाम पेपर है, ये है आपका मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसका पेपर कोड है I-101। एंड सबसे पहले बात करते हैं कि आपके इस क्वेश्चन पेपर में आपके कितने आते हैं। आंसर एनी 5 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे एंड उनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने एंड एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल मिलाकर जो आपका जो पेपर आता है एम कॉम का, मैं प्राइवेट वाले स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, 75 मार्क्स का आता है। तो आपके जो सारे के सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं कि आप मतलब शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है। जब भी आपको 15 मार्क्स का, जैसे कि आधुनिक युग में प्रबंध के बढ़ते हुए महत्व के कारणों की विवेचना कीजिए एंड व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टराइजेशन, एनालाइज, डिस्कस इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस, एंड ये अभी प्रेजेंट की मुख्य तकनीकों को उनके गुण दोषों को सही, इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। एंड हाँ, आपको एक 10 क्वेश्चनों में से केवल वही क्वेश्चन करने हैं जो आप पर आते हों। हाँ, तो ये आपके 10 क्वेश्चन हैं। एंड हाँ, एक आपको लास्ट के क्वेश्चन में आपको टिप्पणी लिखने की जरूरत आएगी, जैसे समूह अभिग्रहण, प्रबंधीय ग्रेड, जरूरी नहीं यही है, और भी अदर टॉपिक्स से आ सकती है। तो बेसिकली जो मेरे कहने का जो तात्पर्य था वो था कि आपके एम कॉम वाले जो स्टूडेंट प्राइवेट से कर रहे हैं तो उनके लिए ये नहीं पता होता कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। तो बेसिकली मैं ये वीडियो इसी पर्पज से बना रहा था कि आपका जो एग्जाम पेपर है एम कॉम का वो किस टाइप में आएगा। तो दोस्तों, बेसिकली जो आपका जो पेपर आएगा उसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 5 क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन के लिए 15 मार्क्स में, टोटल मिला के आपको 75 मार्क्स का ये पेपर आता है। तो ये नहीं सोचें कि अति लघु आएंगे इसमें, वेरी शॉर्ट आएंगे या डिस्क्रिप्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, उनमें से आपको 5 करने हैं। एंड टाइमिंग आप देख चुके हैं, टाइमिंग आपकी 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे की आपकी टाइमिंग होगी। एंड इससे रिलेटेड मैं और भी एम कॉम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सब कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हमें नीचे लिंक दे रखी है, अपने एम कॉम या बी कॉम या कुछ भी कर रहे हैं तो व्हाट्सएप लिंक दे रखी है, आप उस पर ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं व्हाट्सएप से। एंड कुछ मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर रखे हैं, आप हमारे टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही था, पर्पज था कि आपको एम कॉम का पेपर किस टाइप में आता है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक होना वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो मेरा जो भी स्टूडेंट एम कॉम है वो उनको जरूर सेंड करना इस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।